नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जानते हैं कि इंसानों का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड के टकराने से पृथ्वी से 75% से ज्यादा प्रजाति विलुप्त हो गई थी। और दोस्तों जो 25% प्रजाति बची हुई थी उन्हीं में से कुछ थे स्तनधारी जीव जिसे मैमल्स भी कहा जाता है। और बाद में एवोल्यूशन के कारण यही मैमल्स ने अलग अलग प्रजातियों का रूप ले लिया। और आज से 40 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। और यहीं के जंगलों में एल्क्स पाए जाते थे जो सूखा पड़ने पर खाने के लिए जमीन पर रहने लगे। और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे आरडी पिथिकस रामडस के नाम से जाना जाता है। और हमारे पूर्वज धीरे धीरे समझदार होने लगे और समय के साथ साथ उन्होंने आग जलाना, शिकार करना, हथियार बनाना सीख लिया था। और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे होमो इरिटिकस कहा जाता है। और इन्होंने अपने संदेशों को दूसरे तक पहुँचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू किया और जिससे भाषा का निर्माण हुआ और हम इंसान बने जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।